हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में गड़रिया समाज की मीटिंग राधा कृष्ण कोंच मंदिर में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी, विशिष्ट अतिथि अमर सिंह पाल, जिला पंचायत सदस्य चरखारी व अतिथि के रूप में प्रीतम सिंह किसान, कांग्रेस नेता धूराम चौधरी पूर्व विधायक ने गड़रिया समाज की महारानी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक बीएस पाल व प्रेमेंद्र बघेल, जिला संयोजक राष्ट्रीय समाज पार्टी मुकेश नंदना, जीतू पाल के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। जिले में है और 7 जिले पूर्वांचल के हैं और मुख्य रूप से तो वो तीनों जिलों में है। मुख्य रूप से 3 जिले हैं उनके, लेकिन 7 जिले से 8वें जिले में राजभर नहीं है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर की स्थिति क्या है? आज 2 मंत्री सरकार में, खुद कैबिनेट मंत्री, और आए दिन अमित शाह और मोदी के नाक पर चढ़ा रहता है और उनके नाक में दम किए हुए हैं। रात की नींद दिन का चैन हराम है और दहाड़ता रहता है। और अभी राज्यसभा का एक मेंबर भी बनवा लिया, एक राज्यसभा का मेंबर भी ले लिया। अगर एक जिले में, हम मानते हैं कि एक जिले में ज्यादा से ज्यादा 3 लाख लोग भी होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 जिले हैं, कितने हुए? 21 लाख में, 21 लाख में पूरे प्रदेश और देश में धूम मचाए और लोग सुन रहे हैं। और अभी हमारे दल में महागठबंधन में आए तो वो कह रहे हैं, हम तो भाजपा को छोड़ो साहब, अगर आप हमें 6 सीटें दो तो हम आपके साथ हो जाएंगे। 7 जिले और 6 सीट, तो दोनों घटक दल अनुप्रिया पटेल और राजभर जी दोनों भी सियासत रोज थामने में लगे हैं, रोज अमित शाह जी और मोदी जी मीटिंग करने में लगे हैं और रोज वो अपना, आज मीटिंग होती है कल दूसरी मीटिंग होने लगती है। तो वो जितने घटक दल थे, अब जो गठबंधन हुआ है प्रदेश में सपा और बसपा का, और हमने तो, हमारे भाई प्रीतम भाई कह रहे थे, हमने तो बड़ा दल दिखाया था उत्तर प्रदेश में, आपको 100 सीटें दी थी, 105 सीटें यहां पे कांग्रेस को 105 सीटें दी थी, इतना बड़ा दिल दिखाया था। और जब हमने कहा कि भाई राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम भी समझौता करना चाहते हैं, हमने तो वहां केवल 15 सीटें मांगी थी, तो वहां 15 सीटों पे सहमति नहीं बनी, तो अब हमने भी अपना दिल, हमने कहा बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखो, पहले बड़े बनो, दिल बड़ा दिखाओ, भले ही हम छोटे हैं, एक जिले में है लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में है। और जब भी सियासत। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।